सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? बच्चों, आज हम विराम चिन्ह का ही टॉपिक करेंगे जो हमारा अधूरा रह गया था। हमने तीन विराम चिन्ह तक हमने किया था और इससे आगे हम करते हैं फोर्थ नंबर पे हमारा प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न होता है, जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं या कोई हमसे सवाल पूछता है और सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न होता है, तो बेटा उस वाक्य के अंत में, अंत मतलब लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न होता है, उस वाक्य में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें प्रश्न पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो रहा है क्योंकि इसे पूछा जा रहा है तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर पूछा है तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। तो इससे क्या पता चलता है बेटा कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और जैसे भी पूछ लेते हैं तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये कौन है, इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें उनको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है। और उनके अंत में जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न होता है, तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखिए बेटा, विस्मयवाचक चिन्ह हर्ष, शोक, घृणा, प्रसन्नता तथा संबोधन शब्द के साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमें बहुत ज्यादा खुशी हो, हमें दुख हो, हम घृणा हो, प्रसन्नता हो तथा हम किसी को संबोधन करते हैं, इन शब्दों के साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कितना सुहावना मौसम है, वाह मतलब इसमें क्या झलक रहा है, खुशी झलक रही है। हाय अब मैं क्या करूं, हाय हाय क्या हो गया, दुख हो गया, तो इसमें क्या झलक रहा है, दुख झलक रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये विस्मयवाचक चिन्ह है, क्योंकि हमने हाय के बाद क्या लगाया है, विस्मयवाचक चिन्ह लगाया है, क्योंकि इसमें लिख रखा है हर्ष, शोक, घृणा, प्रसन्नता तथा संबोधन शब्दों के साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कितना सुहावना मौसम है, इसमें क्या है, खुशी झलकती है। अब हाय अब मैं क्या करूं, इसमें क्या है, दुख झलक रहा है। एक बार फिर दोबारा देखो बेटा, प्रश्नवाचक चिन्ह में जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न होता है बेटा, उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें क्या है, प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर तुम्हारा क्या नाम है, इसमें भी प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न हो रहा है। विस्मयवाचक चिन्ह हर्ष, शोक, घृणा, प्रसन्नता तथा संबोधन शब्दों के साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो बेटा, वाह कितना सुहावना मौसम है, इसमें क्या है, खुशी झलक रही है। और दूसरे उस उदाहरण में क्या है, हाय अब मैं क्या करूं, तो इसमें क्या है, दुख झलक रहा है। तो इसमें हमने क्या, किसका कौन सा चिन्ह लगाया, विस्मयवाचक चिन्ह लगाया। ठीक है बेटा बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने 5 तक कर लिए थे और अब हम करेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहते हैं बेटा, योजक चिन्ह का निशान ये होता है छोटा सा। ठीक है, देखो जब हमें दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए करते हैं, ज्यादातर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम दो संबंधों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये ज्यादातर ये प्रयोग किसमें होता है, द्वंद्व समास में हम इसका प्रयोग करते हैं। द्वंद्व समास में जैसे ये जो चिन्ह है बेटा, ये क्या है, ये योजक चिन्ह है। तो माता पिता, साथ साथ, रोज रोज, तो इसमें हमने किसका चिन्ह लगाया, योजक चिन्ह का। फिर दोबारा देखो बेटा, जब हमें दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए करते हैं, ज्यादातर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कौन से चिन्ह का, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये द्वंद्व समास में हम करते हैं इसका प्रयोग, किसमें, कौन से समास में, द्वंद्व
समास में हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे माता पिता साथ साथ रोज रोज आदि। उसके बाद है निर्देशक, ये योजक चिन्ह का बेटा, ये निशानी छोटा होता है ये लाइन, और निर्देशक की ये थोड़ी से बड़ी होता है इसका ये चिन्ह। तो जब किसी की गई हुई बात को हम दर्शाते हैं, जब किसी के द्वारा कोई जब बात कहता है और हम उसको दर्शाते हैं दिखाते हैं, तो किसी ने कुछ कहा क्या कहा, उससे पहले हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विषय विवाह प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब किसी की गई हुई बात को हम दर्शाते हैं, किसी ने कुछ कहा क्या कहा, उससे पहले हम इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विषय विवाह प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे अध्यापक अध्यापक है, इसने कहा भारत में कितने राज्य हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि भारत में कितने राज्य हैं, तो इससे पहले हमने कौन सा चिन्ह लगाया है, निर्देशक चिन्ह अध्यापक के बाद। ठीक है बेटा, फिर दोबारा देखो योजक चिन्ह, जब हमें दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये द्वंद्व समास में हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह, जब किसी की कही हुई बात को हम दर्शाते हैं, किसी ने कुछ कहा क्या कहा, उससे पहले हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विषय विवाह प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापक के बाद हमने क्या लगाया, निर्देशक चिन्ह, निर्देश दे रहे हैं, अध्यापक बता रहे हैं भारत में, मतलब पूछ रहे हैं भारत में कितने राज्य हैं। और ये जो योजक चिन्ह है, इसके उदाहरण में देखो माता पिता साथ साथ रोज रोज, तो ये क्या हो गया, योजक चिन्ह हो गया, योजक चिन्ह का हमने प्रयोग किया था। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे, इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। धन्यवाद।